करतारपुर कॉरिडोर को लेकर कंट्रोवर्सी में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की ये कड़ी टूटती दिखाई नहीं दे रही। सिद्धू पाकिस्तान जाने के लिए बेताब हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से पॉलिटिकल क्लियरेंस न मिलने के कारण उन्होंने MEA को एक के बाद एक तीन लेटर लिख डाले। हालांकि देर शाम को सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने सिद्धू को करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी है। तो देखिए, मुझे लगता है कि ये जो इनॉग्रल इवेंट हो रहा है 9th को, ये बहुत हिस्टोरिक इवेंट है और पिछले 20 साल से हमारी कोशिश थी कि हम इस चीज़ पर अमल करें। हमने पाकिस्तान से लगातार बातचीत करती रही कि इस कॉरिडोर को तैयार किया जाए। तो मुझे लगता है कि जो इवेंट 9th का, वो बहुत बड़ा इवेंट, हिस्टोरिक इवेंट है। अब उसमें किसी एक इंडिविजुअल को हाईलाइट करना, मुझे नहीं लगता है कि वो उस पूरे इवेंट को जस्टिस देना है। जहाँ तक किसी के जाने ना जाने का सवाल है, और स्पेसिफिक जो उनका ट्रैवल प्लान है किसी इंडिविजुअल्स का, उसमें फ्रैंकली मुझे नहीं लगता है कि जो ओकेजन का महत्व को देखते हुए, मुझे नहीं लगता है कि ये होगा सही कि हम एक एक इंडिविजुअल्स के बारे में बताएं कि कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता है। ये मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इतने सालों से, इतने दशकों से जो वहाँ के लोग थे, जो वहाँ के पिलग्रिम्स थे, वो इनका एक ड्रीम था कि वो पैदल चल के बिना वीज़ा के उस गुरुद्वारे पे जा सके, और वो उनका जो ड्रीम है वो रियलाइज़ होने वाला है। जहाँ तक किसी इंडिविजुअल के जाने का सवाल है, उसके बारे में सबको पता है कि प्रोसेस क्या है, और वो प्रोसेस ये है कि एक वेबसाइट है जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, उन्होंने लॉन्च की है। उस वेबसाइट पे उनको रजिस्टर करना होता है और कुछ चीज़ें उनको सबमिट करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बेसिस पे वो जा सकते हैं। तो उसको मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ओकेजन है, इतना बड़ा ओकेजन है, उसमें इंडिविजुअल्स कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। इनफैक्ट आपने नोटिस किया होगा कि मैंने जो इनॉग्रल जत्था है उसके बारे में भी हमने ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी है, क्योंकि ये एक मैटर ऑफ फेथ है, मैटर ऑफ सेंटिमेंट है, और उसमें इंडिविजुअल्स को हाईलाइट करना मुझे नहीं लगता कि इम्पोर्टेंट है। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई।